बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। वाराणसी में जो है कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी है, सही सर्वे अभी मेरी जानकारी में नहीं है। मैं समझती हूँ सभी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण अब पूरे चुनाव प्रचार में लग गए हैं, और जो नतीजे आएंगे मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होंगे। मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग जो मुश्किलें हैं आज जो पूरा प्रदेश के सभी वर्ग के लोग झेल रहे हैं, जब तक सरकार उन मुश्किलों को नजरअंदाज करती रहेगी तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसी तरह रहेंगे। वो लगातार यहाँ पे डेरा जमा के बैठे कई मंत्री, कई संगठन के तमाम लोग यहाँ पर वो जीत का दावा ठोक रहे हैं प्रदेश में लोकसभा चुनाव। ये अच्छी बात है, दावा ठोके जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दावे ठोके गए थे, हम सभी परिणाम जानते हैं और चुनाव के भी ऐसे ही परिणाम रहे। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। वाराणसी में जो है कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी है, सही सर्वे अभी मेरी जानकारी में नहीं है।